नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में हमने देखा कि अक्षर पटेल को मौका मिला है टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू करने का, यानी कि अपना पदार्पण टेस्ट मैच खेलने का। बहुत लंबे वक्त तक इस खिलाड़ी ने इस मौके का इंतजार किया है। साल 2014 से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, रंगीन जर्सी में यानी कि वनडे फॉर्मेट में भी वो कई सारे मैचेस खेल चुके हैं। लगभग 38 वनडे मैच वो टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं, जबकि 11 T20 मुकाबलों में भी वो खेल चुके हैं। और उनको ये उम्मीद थी कि टेस्ट मैच में कब उनको मौका मिले, ये लगातार वो एक तरीके से उम्मीद कर रहे थे और इसको लेकर आशान्वित थे कि कभी ना कभी तो उनको मौका मिलेगा, इंतज़ार कर रहे थे इस मौके का। और अब आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ गया अक्षर पटेल की ज़िंदगी में, जब कप्तान विराट कोहली ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी। बहुत खुश नज़र आ रहे थे और उम्मीद यही है कि वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं और क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। तो हमको बार बार वो याद आता है इंग्लैंड की पिछली सीरीज, जब लसित अम्बुलदनिया ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक तरीके से कमर तोड़ कर रख दी थी। 2 टेस्ट मैच में 15 विकेट लिए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही दबाव अक्षर पटेल भी बनाए आकर, क्योंकि वो थोड़े से फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री के बॉलर हैं और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, हमने देखा था अम्बुलदनिया के खिलाफ जब उनको कम समय मिल रहा था, एयर में कम बॉल झुला रहे थे वहां के गेंदबाज, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी। हालांकि पहले टेस्ट मैच में नदीम से जितनी उम्मीद थी वो उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, लेकिन अक्षर पटेल से ज़रूर उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अभी तक वनडे फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में करके दिखाया है। तो उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में भी वो अच्छा खेलेंगे। लेकिन हैं कौन अक्षर पटेल, ये भी हम आपको बता देते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज उनके बारे में बताना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि टेस्ट मैच का वो पदार्पण कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि अक्षर पटेल एक बल्लेबाज बनना चाहते थे और बल्लेबाजी करते भी थे। जब मात्र 18 साल की उम्र में उनका चयन हुआ था गुजरात की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने का, तब भी वो बल्लेबाज के तौर पर ही खेलते थे। और जब वो NCA पहुंचे थे, अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए जब उनका चयन हुआ था, NCA पहुंचे थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो उन्होंने अपने कोच से कहा था कि वो बतौर बल्लेबाज खेलना चाहते हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार हाथ घुमा लेते हैं। लेकिन फिर कोच के आदेश पर उन्होंने बॉलिंग करना भी शुरू किया और फिर अब एक तरीके से वो बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए हैं। बॉलिंग पहले है, बैटिंग भी बाद में है, लेकिन बैटिंग वो बड़ी शानदार कर लेते हैं, हमने कई सारी IPL इनिंग्स में देखा है। और कुल मिलाकर उन्होंने 39 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं, जिसमें 134 विकेट उनके नाम हैं, वहीं एक शतक भी उन्होंने जड़ा है और 13 अर्धशतक जड़े हैं, यानी कि ये बताता है कि बल्लेबाजी की भी अच्छी खासी काबिलियत उनके पास मौजूद है। वो 1665 रन बना चुके हैं बतौर बल्लेबाज फर्स्ट क्लास मैचेस में, और उनका औसत भी 35 का है, जो कि अच्छा कहा जाएगा बल्लेबाजी के लिहाज से। तो ये वो खिलाड़ी है जिसने आज टेस्ट मैच में अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला है भारतीय टीम की तरफ से, और उम्मीद यही करेंगे कि अब जिस तरीके से वनडे और T20 फॉर्मेट में उन्होंने कई सारी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, टेस्ट मैच में भी वो कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के लिए करेंगे, खासतौर से इस वाले टेस्ट मैच में, क्योंकि इस टेस्ट मैच को जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।